नई क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन क्लास इलेक्ट्रिकल के। मेरा नाम है कमलेश कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें और बहुत चीज़ें होती हैं, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो ऐसा मोटर है जिसका उपयोग पूरे अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो हम लोग करते हैं कमर्शियल तौर पर भी, इंडस्ट्रियल पर भी और डोमेस्टिक यूज पर भी। तो इसका बहुत सी चीज़ों में होता है प्रयोग। तो इसके हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब आज मैं देखूंगा और आपको भी बताऊंगा। वर्किंग हो गया, लॉस हो गए और इसका यूज हो गया, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखेंगे, स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, स्टार्टर होता क्या है इसको बताऊंगा मैं। इसमें जो मेन टॉपिक है टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बारे में पूरा, जितना भी टॉर्क है कैसे कैसे वर्क करता है, इसके रिलेशन कैसे कैसे होते हैं। लेकिन अभी का जो सबसे पहला चीज़ है कि इसके हम देखते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है और कंस्ट्रक्शन कैसा फॉलो करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन। आइए दिखाते हैं मैं आपको। कंस्ट्रक्शन दो होते हैं, दो प्रकार के। पहला है स्टेटर और दूसरा है रोटर। स्टेटर जो होता है मेरा, वो जो मेरा योक होता है, जैसे आप देख रहे हैं आपको मैं फिगर से बता दे रहा हूँ, ये है मेरा योक, इसके बीच में आता है यहाँ पे स्टेटर फ्रेम होता है और यहीं पर बाइंडिंग की जाती है किसकी, स्टेटर कंडक्टर की, और इसके अंदर होता है मेरा रोटर और ये अंदर होता है मेरा शाफ्ट। तो ये हो गया मेरा रोटर और ये हो गया मेरा स्टेटर और यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देते हैं और ये है मेरा शाफ्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब स्टेटर को देख तो लिए, लेकिन ये बनता कैसे है, तो ये बनता है मेरा सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, हिस्टैरिसिस लॉस को कम करने के लिए। हिस्टैरिसिस लॉस को डिक्रीज करने के लिए। और ये लॉस किसमें आता है, आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसी में इसका प्रयोग तो करते ही हैं हम, और इसी को हम लेमिनेशन के द्वारा यूज करते हैं। कैसे करते हैं, लेमिनेशन। वो लेमिनेशन नहीं है जो किताब पे होता है, तो मैं समझ जाइएगा, आप वो देखे हैं चोक देखे होंगे आप, अलग अलग परतों में जब खोलेंगे उसको तो अलग अलग कोई एल आकार का होता है, कोई यू आकार का होता है, उसको लेमिनेट करते हैं लोग एक साथ इकट्ठा करके, वो तो इसको भी लेमिनेट करते हैं, जुड़ा जाता है, वो भी स्क्रू से जोड़ते हैं। लेमिनेशन क्यों किया जाता है, ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भंवर धारा। भंवर कौन सा भंवर, भंवर धारा। और इसको क्या कहते हैं, शैथिल्य हानियां। जिसको हिंदी नहीं पता वो लिख लेगा यहाँ पर, क्योंकि पेपर में डिजिटो के कुछ भी पूछ सकता है कि किसके कारण क्या लॉस होता है। और जो ये ईडी करंट लॉस है, ये भी मेरा किसके अंतर्गत आता है, आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। मतलब आयरन लॉस क्या हो गया, हिस्टैरिसीस प्लस के ईडी लॉस। ठीक, ये सब किसमें आते हैं, स्टेटर का ही ये है। लेमिनेट करेंगे तो इस लॉस को कम करेगा, इसका प्रयोग करेंगे तो ये लॉस मेरा कम होगा। और जो पिछली क्लास में मैंने बताया हूँ, जो वीडियो मैंने डाल चुका हूँ पहले से ही, उसमें क्या था कि मैग्नेट जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसके ग्राफ को मैंने बताया था कि ये लूप कैसे कैसे बनता है, उसको भी कहेंगे तो मैं आगे का ग्राफ लोड कर दूंगा। इसको आप पहले लोड कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
कर लिया आप लोगों ने, कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे करना है हर चीज। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग रोटर पर। रोटर मेरा सामान्य तौर पर तीन प्रकार का होता है, स्क्वायर केज, डबल स्क्वायर केज और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख भी रहा हूं जिससे कि आप लोगों बच्चों को ये दिक्कत ना हो, जो यहां बैठ के पढ़ रहे हैं वो ध्यान से ही देखें, गर्मी का चक्कर ना देखो आप लोग, पढ़िए बस, यही संघर्ष का जीवन है, यही समय है हम लोग के लिए, क्योंकि ये जो अवसर मिलेगा फिर नहीं मिल पाएगा, ये लॉस जो हुआ है कोरोना का, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा संजीवनी है, समय के लिए, समय का सदुपयोग किया जाएगा और हम लोग को और आगे बढ़ा जाएगा। मोदी जी का बात सुनते हैं नहीं तुम लोग? ठीक है सुनते, मुर्गा बस गर्दन नहीं लाओ, पढ़ो बस चुपचाप। ये देखो ये है स्क्वायर केज का कंस्ट्रक्शन। स्क्वायर केज में क्या होता है कि जो कंडक्टर हैं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर लगे होते धारे वगैरह दिखाई देते हैं, तो ये दिखते हैं कैसे, धारे जैसे दिखते हैं। ठीक, तो स्पाइरल केज में ये नाम ही इसके पर पड़ा है गिलहरी को देखकर, जैसा कि गिलहरी में दिखता है कि उस पर धारियां बनी होती हैं, उस तरह ही दूर से ऐसे दिखता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है स्पाइरल केज। ठीक, और यहाँ पर इसके बाद तिरछा रखा जाता है हमिंग को कम करने के लिए, तिरछा क्यों तिरछा रखा जाता है कंडक्टर को, तिरछा रखा जाता है कंडक्टर को हमिंग को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह होता है डबल स्क्वायरल केज रोटर, इसमें क्या होता है लगभग कंस्ट्रक्शन सबका सेम है, इसमें अलग से एक और चीज कर देते हैं, इसके अंदर भी हम दो केज बना देते हैं, मतलब कि जैसे नहीं पिंजरा देखो आप, पिंजरा इसका मतलब पिंजरा, पिंजरे का आकार बना देते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से घिरा हुआ, और इसको इंड प्लेट से क्या करते हैं शॉर्ट कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट करते हैं और इसको भी शॉर्ट करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है जो बाहरी वाले जो बाहर का जो परत है, मतलब जो बाहर का जो पिंजरा है उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, जो अंदर का पिंजरा होता है उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, बाहर वाले को कापर का बनाते हैं और अंदर वाले को ब्रास का बनाते हैं। बाहर वाले का जो होता है मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है और अंदर का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, और जस्ट अपोजिट इसका रिएक्टेंस बाहर वाले का कम अंदर वाले का ज्यादा, ये होता है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग किस पर, इसको रफ कर लीजिए, इसको लिखकर रफ कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको और अंदर तक। कर लिया आपने, करिए करिए। चलिए ये साथ साथ वीडियो ही बन जा रहा है, आप लोग पढ़ भी ले रहे हैं, सबसे सही है हम लोग के लिए, एक साथ एक पान दो काज सुने हैं ना, वही चीज हो रहा है यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग किस पर, स्लिप रिंग पर। स्लिपिंग जो है कंस्ट्रक्शन सेम है उसका, बस थोड़ा सा अंतर ये कर देते हैं हम लोग इसमें क्या कि जो इसके साफ पर एक तीन रिंग लगा होता है जिसको कि हम लोग अलग से रेजिस्टेंस को जोड़कर हम क्या कर देंगे, मतलब कि आप फिगर तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है बच्चों, अब हंसो मत तुम लोग बच्चों मेरे पे, हम पहले से कलाकार नहीं थे। ये है मेरा रेजिस्टेंस, इसमें अलग से रेजिस्टेंस लगाकर टार को क्या करते हैं इंप्रूव किया जा सकता है, ये इसका काम है। ठीक, और इसका टार ज्यादा होता है, इसका कम, इसका सबसे कम,
इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसको भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम रेजिस्टेंस को यहां पे कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जहां रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट मेरा वेरी होगा, करंट वेरी होगा तो फिर हर चीज वहां पर वेरी होने लगेगा। तो ये एक चीज है, इसको देखा जाता है। और इसके अलग अलग उपयोग भी हैं, ये भी देखा जाता है, आपको दिखाएंगे बताया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है, आप लोग को पेपर में पूछेगा क्या, पूछेगा कि जो वो रोटर है इसके जो कंडक्टर है तिरछे क्यों लगाए जाते हैं। तो आपको बताया था मैंने क्यों लगाए जाते हैं, हम इनको कम करने के लिए और बैलेंस को बनाने के लिए। ठीक, और क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, मैं कुछ बना कर आया हूँ आप लोग से, आप लोग कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि इसकी मतलब कि जो रोटेट कर रहा जिस तरफ से, मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा कोई मोटर, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा आर वाई पी रहता है, आर वाई पी जो सप्लाई फेज है, इसको हम क्या कर देंगे, बदल देते हैं, वाई पी आर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्लॉक से हो जाएगी एंटी क्लॉक। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ तक, और इसके बारे में जो वर्किंग है मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास आप लोग को।